बंगाल बंद के दौरान भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया। बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे की कार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। फायरिंग के बाद बीजेपी लीडर प्रियंगू पांडे का बयान, करीब 60 लोगों ने हमारी कार को रोका, 6 से 7 राउंड फायरिंग की। प्रियंगू पांडे बोले, मेरी हत्या की रची गई साजिश, पुलिस ने टीएमसी के गुंडों का दिया साथ, सुरक्षा हटाने के बाद घटना को दिया गया अंजाम। बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे पर फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर पहले बम फेंका, गाड़ी नहीं रोकी तो फायरिंग की। अर्जुन सिंह ने कहा टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग एसीपी की मौजूदगी में की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद, शाम 6 बजे तक चलेगा बीजेपी का राज्यव्यापी बंद। नाडिया में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प, टीएमसी ने बीजेपी के बंगाल बंद का विरोध किया। बंगाल के तामलुक में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, बंद के दौरान बीजेपी टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प। मालदा में भी बीजेपी के बंगाल बंद का असर नजर आया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया। हुगली में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, बंद करवाने उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत। उत्तर दिनाजपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन तेज, जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे, छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में बंद बुलाया गया। 12/7 और हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। कोलकाता में मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। हावड़ा में दिखा बंगाल बंद का असर, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने बंद का ऐलान किया। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की आगजनी, कोलकाता के टाला ब्रिज पर बीच सड़क आग लगाई। मिदनापुर में भी बीजेपी वर्कर्स ने टायर जलाए। बंगाल बंद के चलते कूचबिहार में अलर्ट पर सरकारी बस ड्राइवर, सिर पर हेलमेट लगाकर बस चलाते आए नजर। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ टीएमसी वर्कर्स का प्रोटेस्ट, बनगांव सियालदेह के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित। साउथ 24 परगना में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बंगाल के अलीपुर द्वार में बीजेपी का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बंगाल बंद का असर नजर आया। कोलकाता के विधान नगर इलाके में बंद नजर आई दुकानें। पश्चिम मिदनापुर में बंगाल बंद का असर, बसों की आवाजाही बंद, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। सिलीगुड़ी में भी बंगाल बंद का असर, सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आई, दुकानें भी बंद। बंगाल के धकुरिया में भी बंद का असर, राज्य बस की सेवाएं प्रभावित। नंदीग्राम में बंगाल बंद का असर दिखा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेट्रो गेट को बंद किया, मेट्रो गेट के बाहर लगाए भारत माता की जय के नारे। कोलकाता के बाटा चौक में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, लॉकेट चैटर्जी समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने पर बोली लॉकेट चैटर्जी, जितने ज्यादा लोगों को हिरासत में लेंगे उतना ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। लॉकेट चैटर्जी ने कहा, बंगाल सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा है, सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी, पुलिस लोगों को हिरासत में ले सकती है, विचार को नहीं। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता रूपा गांगुली को भी हिरासत में लिया। बंगाल बंद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। बंगाल बंद में बीजेपी के सांसद भी शामिल, शांतिपुर मालदा में बीजेपी सांसद भी सड़क पर उतरे। शांतिपुर में प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद जगन्नाथ सरकार, मालदा में प्रदर्शन में नजर आए सांसद खगेन मुर्मू। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के बंद का विरोध। बीजेपी के बंगाल बंद पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी यहां अराजकता फैलाना चाहती है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया है। बंद के खिलाफ ममता सरकार का आदेश, कहा पश्चिम बंगाल में कोई बंद नहीं, सरकार अपने सभी कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कह चुकी है, सभी सरकारी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, ऑफिस न आने पर एक्शन होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, कहा पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया, उनकी हिरासत लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन, छात्रों को जल्द रिहा करना चाहिए। बीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के फोटो जारी किए, फोटो जारी करने के लिए एक विशेष तरीका, फोटो जारी करके पहचान करने की अपील भी की गई।